कुछ महीने पूर्व मैंने एक वीडियो बनाई थी जो धनबाद जिला बागमारा प्रखंड की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुदा एवं उप स्वास्थ्य केंद्र राधा नगर में पिछले एक वर्ष से प्रसव हो रहे 40 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र विभागीय उदासीनता के कारण निर्गत नहीं हो रहा था, जिसके चलते झारखंड सरकार द्वारा चलाए गए प्रभावी योजना मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ 40 बच्चों को नहीं मिल पा रहा। एक साल हो गया है, 3 डिलीवरी करवाए हैं मोदा पीएससी में, अभी से बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला है। इसके लिए हम लोग आवेदन दिए क्लस्टर बैठक में 2 दफे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। गांव वाला सब महिला सब आके मेरा घर में बहुत तंग करती है, जब हम लोग कैसे सरकारी में जाएंगे जब बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। वीडियो बनाने के बाद जब विभाग से संपर्क किया गया तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन 40 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी किया गया। मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र थी जो कि मैं पहले एक थी पूरा खत्म कर चुकी थी, उसके बाद मेरे पास प्रमाण पत्र खत्म हो चुका था। मैं कितने बार बघवारा गई, उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं मिल पा रही थी। इधर मुझे फरवरी माह में मुझे मिला है, अभी कुछ बच्चों को मैं दे चुकी हूँ, कुछ के गार्जियन अभी नहीं आए हैं मेरे पास या सहिया नहीं आई है, इसीलिए उसका प्रमाण पत्र नहीं मिला है। हम सब तैयार करके रखे हुए, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं हम प्रमाण पत्र देते जा रहे हैं। ऐसा हमने निर्देश भी दे दिया है, जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी दे दिया है, और चूँकि महोदय हमसे काफ़ी लगता है कि काफ़ी बार हम जा चुके हैं कैंप मोड में, उसमें काम करवाए हैं, तो इस पालू में भी कैंप मोड में उसको अपने सामने लाभार्थी को बुला करके और डॉक्टर को बुला करके जो भी जिसका सिग्नेचर उसमें बाकी है कैंप मोड में अपने सामने बैठ करके इसको सुनिश्चित करेंगे, और हम देखेंगे कि ये संचालन सही ढंग से हो, ये कार्य सही ढंग से हो और ससमय उसकी रिपोर्टिंग हम को उपलब्ध हो जानी चाहिए सीएससी में, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट को भी ससमय इसकी। अगला साल 2014 में मार्च अप्रैल में भी डिलीवरी हुआ था राधा नगर में, तो प्रमाण पत्र नहीं मिला था, तो हलीमा दी को हम लोग बताएं तो सहिया साथी हलीमा एजाज हम लोग को गांव में आई, फिर वीडियो बना के ले गई, उसके बाद एक महीना के अंदर हम लोग का प्रमाण पत्र मिल गया। इस समस्या पर बदलाव लाने के लिए मैं प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बागमारा डॉक्टर एसएम जफरुल्ला एवं एनएम दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके अथक प्रयास से ही 40 बच्चों का झारखंड सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। अब हमारे क्षेत्र में बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। ये सारे बदलाव कैमरे के कारण ही हो पाया, वाकई मीडिया में ताकत होती है और मीडिया न्याय भी दिलाती है। इसका सच्चा उदाहरण इस वीडियो को पर बदलाव आने के बाद ही पता चला। मैं हलीमा एजाज बागमारा धनबाद झारखंड से इंडिया नेट की।